सब्सक्राइब करो SN इनकम चैनल को, इस घंटे को दबाओ सबसे पहले ब्लॉग देखने के लिए। ओके हाय गाइस एंड वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास एक है सैमसंग 355, इसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नो सर्विस का प्रॉब्लम है। इसको कैसे रिपेयर करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दो सिम मैंने इसका अंदर इंसर्ट कर दिया हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं नो सर्विस लिखा हुआ है। इसका कैसे रिपेयर करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत सारे रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आपको लिंक भी मिलेगा वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में, चाहिए तो चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे मोबाइल रिपेयरिंग का लिंक आपको मिलेगा वहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो सिम 1 सिम 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते नीचे की तरफ दो सिम मैंने इसका अंदर इंसर्ट कर दिया है। दोस्तों इसको कैसे रिपेयर करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक बार आप मॉडल नंबर देख लीजिए, यहाँ से यहाँ पर दो सिम लगा हुआ है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। ओके सबसे पहले हम लोग स्क्रू निकालते हैं यहाँ से। स्क्रू निकालने के बाद ये वाला पैनल निकालेंगे, वो पैनल का जो कैप निकालेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे रिपेयर करना है। दोस्तों मैंने कम्प्लीटली अभी जो बॉडी होता है मोबाइल का ऊपर जो उसको असेंबल्ड कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको मॉडल नंबर देख लीजिए, B355 लिखा हुआ है। इस पीसीबी के कैप को रिमूव करना है, ठीक है। तो यहाँ से कैसे चेक करना है मैं आपको बताऊँगा। मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखना है, ठीक है। तो मैं बजर मोड पे रख दिया है, अभी इसको कैसे रिपेयर करना है कैसे चेक करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ा वाला रेसिस्टर है, तो इसको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला रेसिस्टर मेरा ओके है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करना है, तो यहाँ पर भी एक छोटा मोटा रेसिस्टर है, पीसीबी का अंदर जाना है, तो उस सारे रेसिस्टर को चेक करना है। तो रीडिंग आगे आ गया क्या, नहीं आ रहा है, ठीक। तो इस सारे रेसिस्टर का जो रीडिंग है बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका मतलब जो है जो रेसिस्टर में कोई शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो सभी रेसिस्टर में रीडिंग आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है तो जो बोर्ड का अंदर क्रिस्टल होता है उस क्रिस्टल को हम लोग चेंज करना होता है। तो फाइनली जो भी रेसिस्टर है तो सारे रेसिस्टर बिल्कुल ओके है, मैंने चेक कर दिया, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये वाला ब्लैक कलर का क्रिस्टल होता है, इसको हम लोग चेंज करना है। तो अलग अलग सर्च से अलग अलग मॉडल पे अलग अलग क्रिस्टल रहता है, उसका ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों मैंने एक सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है तो इससे निकालूंगा, तो इसका अंदर है गोल्डन कलर का और इसका अंदर है ब्लैक कलर का। तो दोस्तों और कलर इसमें मिस्टेक नहीं होता, कलर में कोई डिफरेंट नहीं होता। तो आप इसके ऊपर एक नंबर रहता है 2600, तो इसका नंबर का ऊपर आप डिपेंड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से रिमूव करके इस बोर्ड को अंदर इंस्टॉल करना है। तो आपका जो भी नो सर्विस का प्रॉब्लम रहता है और नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।